हाँ जी गाइस, तो कैसे आप सब? मैं हूँ आप सबकी प्यारी बॉम्बे वाली। मैं आ गई न्यू ब्लॉग के साथ और आज की ब्लॉग बनाने के लिए मैं जा रही हूँ बोरीवली नेशनल पार्क पर। तो पार्क पर जाने के बाद ही मुझे पता चलेगा कि वहाँ पर क्या क्या है और क्या नहीं है। तो अभी मैं सीधा जाऊँगी अंगली स्टेशन से होकर फिर बोरीवली। तो चलो मिलते सीधा अंधेरी स्टेशन पर। तो गाइज़ मैं आ गई फाइनली बोरीवली स्टेशन पर। जैसे ही मैं अंधेरी आई स्टेशन पर तो मुझे बोरीवली के लिए ट्रेन मिल गई, तो मैंने तुरंत ट्रेन पकड़ के मैं आ गई। और मुझे आने में बस 20 रुपीज़ लगा क्योंकि मैंने रिटर्न करा लिया, तो अंधेरी टू बोरीवली सिर्फ 10 रुपये एंड रिटर्न कराओ तो 20 रुपीज़। तो अभी यहाँ से जाऊँगी, जाके सीधा ऑटो लेते हैं और ऑटो से सीधा पार्क तक जाते हैं और पार्क में जाकर देखते हैं पार्क का नज़ारा। मैं आ गई पार्क पर और अभी अंदर जाएंगे तो देखेंगे क्या क्या है पार्क पे, कितने सारे जानवर है, क्या है नहीं है। मुझे बोरीवली तक आने के लिए, स्टेशन से यहाँ तक आने के लिए 20 रुपीज़ लगा और एक जन का टिकट है 70 रुपये और अगर कैमरा लेके आते हो तो इसका है 200। और चलो आगे चलते हैं, कहाँ पर शेर है, क्या क्या जानवर हैं, जाके देखते हैं सारे के सारे। वो अभी हमारे पीछे चल रहा है बोटिंग का। और यहाँ पे सफारी वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए जैसे सफारी लेके पूरा घूम सकते हो, फिर यहाँ पे गाड़ी का भी पार्क करके रख सकते हो। लोग भी यहाँ पे बहुत सारे हैं इस टाइम, बहुत सारे गुर 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 के देख रहे हैं मेरे को, तो थोड़ा सा इनसिक्योरिटी हो रहा है। इधर बोटिंग का है कुछ 70 रुपये एंड दो जन का है 70 रुपये, चार जन का 140 रुपये। फ़िलहाल मुझे बोटिंग करना है नहीं, बोटिंग के लिए इच्छा नहीं है, तो फिर आगे आगे जाकर देखते हैं और क्या है। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा है, वो है खेलने के लिए गार्डन। यहाँ पे मुझे 3-4 बड़े बड़े गार्डन दिख गए। यहाँ पे भी और एक गार्डन दिख रहा होगा, यहाँ पे भी बच्चे लोग खेलते रहते हैं, मतलब बहुत सारे यहाँ पे हैं खेलने वाले गार्डन। तो पहले मैं गई थी लाइन देखने के लिए, बट लाइन देखना हो नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे वेट करना पड़ रहा था, टिकट लेना पड़ रहा था। तो ये जो मैंने ट्रेन का टिकट लिया, इसका है 61 रुपीज़ एंड बच्चों का शायद से हाफ है। और अभी आगे जाकर देखते क्या क्या है, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है। और जब पिछली बार मैंने अहमदाबाद गई थी तो अहमदाबाद का भी अच्छा था, इजीली सब कुछ मिल रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा ढूंढना पड़ रहा है और ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये रहा, हम छोटे छोटे ट्रेन का मज़ा लेते, देखते क्या है। ग्रीन ग्रीन देखकर बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये रहा हमारे सामने, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हिरन है और जो पंछियाँ है यहाँ पे अंदर अंदर रखी हुई है। तो अभी हमने ट्रेन का सफ़र करके हो गया, देख लिया ट्रेन का, अभी लाइन की सफ़र करने के लिए जा रहे हैं, देखते हैं कितना मज़ा आता है। एंड इसका कुछ लगा 94 रुपीज़ शायद से है टिकट, 94 है ना टिकट, हाँ इसका टिकट 94 है एंड ट्रेन का था 61। और अगर हम बोट पे जाते हैं तो 4 लोग हमें चाहिए होता है बोट पे, तब जाके हम बोट का सफ़र कर पाते हैं। पर यहाँ के लोग सब बहुत क्रेजी होकर देख रहे हैं कि पहली बार शायद से ये लोग देख रहे हैं टाइगर को इतने पास से। गाइस तुम्हें मेरे आसपास जो ये एरिया दिख रहा है कैसे लग रहा है तुम लोग मुझे बताना कमेंट करके। और जिस हिसाब से मैं आई थी, मैंने बहुत सुना था नेशनल पार्क, बोरीवली पार्क, मुझे लगा था बहुत बड़े बड़े जानवर दिखाई देंगे खूंखार वाले, तो वैसा कुछ दिखाई दिया नहीं मुझे, तो मैं लिटिल बिट अपसेट इस वजह से। और मेरे जैसे ही सारे पैसे ख़त्म हो गए थे तो मैंने पूछा कि क्या आपके पास यहाँ पर ऑनलाइन है, उन्होंने मना किया, बट वही चीज़ अहमदाबाद में ऑनलाइन पे हो रहा था। और फिर मैंने एक फ्रूट वाली से लिया पैसे तो मेरा काम चल गया,
एंड हमने बस की भी सफ़र करके कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। यहाँ बस आ सकते हो फैमिली के साथ, एंड यहाँ पे पीछे दिख रहा होगा बच्चे लोग ऐसे ऐसे बड़े बड़े झोले, ऐसे बड़े बड़े खाली जगह मिलेगा। पर ऐसे जानवर वगैरह, अगर कोई जानवर की शौकीन हो ना बड़े बड़े जानवर देखने के लिए, तो वो सारी चीज़ नहीं होने वाली है। या शायद से यहाँ पे काम चल रहा होगा या कोरोना की वजह से, पता नहीं। यहाँ पर वो जो गुफा था वो गुफा भी बंद है, कनेरी गुफा शायद से वो भी बंद है। तो ठीक है, आज की ब्लॉग जैसे है उसको देख लेना। बॉम्बे वाली ब्लॉग्स को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, एंड तब तक के लिए बाय बाय। और मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट बहुत ही अच्छे से वीडियो के साथ।